हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म दिशा के यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति दुबे जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंग्लिश एमटीएस और हवलदार का आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है अगर आपने फॉर्म फिल किया है और आप इंग्लिश को लेकर बिल्कुल भी कंसर्न हैं आपको लगता है कि इंग्लिश की तैयारी नहीं है तो मैंने आपके लिए पर्टिकुलर आपके एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए उसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए आपके गोल को क्रैक कराने के लिए आप सभी को बिल्कुल पूरी तरीके से 25 के 25 नंबर जो लेकर आने हैं एमटीएस में और आपके हवलदार के एग्ज़ाम में अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशरी रहेगी बहुत ज़्यादा ठीक है तो क्लास से जुड़े सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें और सबिता भाटी जी वेरी गुड मॉर्निंग आरब कुमार वेरी गुड मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का क्लास में बच्चे जैसे जैसे क्लास से जुड़ेंगे क्लास को शेयर कर देंगे ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही वंडरफुल सेशन तो आ जाइए जल्दी से एक बहुत ही अच्छा सा थॉट लिखा है एवरी डे इज समू क्लोजर टू अटर टूमारो हर रोज कुछ एक ऐसा होता है कि जो आपको और नजदीक ले जाता है आपके आने वाले सुनहरे भविष्य से कल के पास ठीक है मतलब कहने का आप देख रहे हो एक बच्चे को वो सीख रहा है कुछ पढ़ रहा है क्लियर जैसे उसके फेस पे लाइट आ रही है मतलब जैसे आजकल हमारा हमारा चल रहा है कि हम किताबों से ज्यादा किससे सीख रहे हैं या तो लैपटॉप से या मोबाइल से इसी पर क्लासेस चल रही हैं सब कुछ पर बेस्ड हो गया है अभी तो हर दिन आपके पास क्या होता है अगर आप रोज दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हो तो वो क्या हो रहा है एक तरीके से ऐड हो 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 रही है 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 आपकी नॉलेज क्लियर जो आपको कल आता था उससे कहीं बेटर आप आज हो रहे हो, तो इंच इंच वर्ड का का यूज किया है। इंच का मतलब है हर दिन कुछ ना कुछ आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो अपनी नॉलेज में जो आपको आपका कल मतलब आपका जो सुनहरा भविष्य है जिसके लिए हम सपने देखते हैं उसको बेटर करने के लिए उसको सुनहरा बनाने के लिए अच्छा करने के लिए आपको उसके और नजदीक लेके जा रहा है ये आपको जो दिख रहे हैं कुछ हमारे पेड कोर्सेज हैं जो ऐप पर अवेलेबल हैं आप इनका फायदा उठा सकते हो दोनों ही ठीक है चलिए अब आता है आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे क्लास को शेयर भी कर देंगे ठीक चलिए स्टार्ट कीजिए पहला क्वेश्चन सभी आराम से रीड करेंगे और आंसर लगाने की कोशिश करेंगे

ब्रांच में हम त्वचा रोग की स्टडी करते हैं अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को वन वर्ड में क्या कहते हैं क्या बता बोलते हैं ये बताना है आपको अध्ययन किसका स्किन डिसीज का जैसे किसी को खुजली हो गई किसी को दाद हो गई किसी को एक्जिमा हो गया किसी को सोराइसिस हो गई मतलब कहने का ऐसे बहुत सारे स्किन डिसीज हैं आप सब भी जानते हो ठीक तो इनको क्या बोलेंगे एक नाम क्या दोगे उस ब्रांच को जिसको जिसके अंतर्गत हम स्किन डिसीज का अध्ययन करते हैं या उसकी थेरेपी होती है या उसका इलाज होता है तो क्या बोलोगे उसके उसको न्यूरोलॉजी बोलोगे तो न्यूरोलॉजी क्या होता है तंत्रिका विज्ञान होता है मतलब इसमें तो हमारे दिमाग से संबंधित तंत्रिका तंत्र से संबंधित स्टडी की जाती है ठीक है तंत्रिका विज्ञान बोलते हैं साइकोलॉजी क्या होता है मनोविज्ञान होता है जिसमें आपके विचारों से संबंधित आपके मन से संबंधित आपके अंतर क्या चल रहा है इससे संबंधित स्टडी करते हैं रेडियोलॉजी क्या होता है तो जब हमें कभी मान लो कहीं पर कोई लिगामेंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो गई कि कोई हड्डी क्रैक हो गई क्लियर तो आप सभी हॉस्पिटल जाते हो और वहाँ की एक ब्रांच में जाते हो जिसको हम रेडियोलॉजी कहते हैं ये अलग बात है कि आप हम नॉर्मल लैंग्वेज में रेडियोलॉजी नहीं बोलते हैं हम जाते हैं क्या करवाने एक्सरे करवाने क्या करवाने जाते हो कि एक्सरे करा के पता चलेगा जैसे आप एक्सरा बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि एक्सरे करा के पता चलेगा कि क्या हो गया है हड्डी कहीं से क्रैक है या फिर कहीं लिगामेंट में प्रॉब्लम है या कुछ भी ठीक है तो हमें किससे पता चलता है एक्सरे से पता चलता है तो ये वही ब्रांच है जिसमें हम रेडियोलॉजिकल मतलब जो तरंगे हैं जो वेव्स हैं उनके थ्रू जिसमें ट्रीटमेंट किया जाता है ठीक है तो इसको बोलते हैं रेडियोलॉजी तो बचा कौन डर्मा डर्मा का मतलब ही होता है स्किन ध्यान रखना डर्मा का मीनिंग होता है स्किन मतलब त्वचा ठीक है त्वचा तो डर्मेटोलॉजी का मतलब है त्वचा संबंधी विज्ञान मतलब जिसमें हम हाँ बिल्कुल बाबा नमस्ते दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ठीक है खुश रहो मजे करो ठीक है लेकिन आप डेली नहीं रहते क्लास में ये बहुत गलत बात है डेली रहा करो क्लास में प्रेजेंट कल नहीं थे आप ठीक है तो इट शुड बी हेयर डर्मेटोलॉजी हाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह मतलब जहाँ पर हम वेव्स वगैरह से इलाज करते हैं जहाँ पर तरंगों का यूज होता है इलाज में ठीक है उसे रेडियोलॉजी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ठीक डर्मेटोलॉजी तो डर्मे का मतलब ही होता है कहीं भी डर्मा दिख जाए ना समझ लेना स्किन से संबंधित है इट्स अ रूट वर्ड हे ठीक बढ़ जाए आगे तो आंसर मिल गया सभी को डर्मेटोलॉजी होगा नेक्स्ट देखो सेकेंड क्वेश्चन आप सभी के सामने और प्रीवियस ईयर लगाया है मैंने ध्यान रखना बार बार बोलती हूँ मैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझो कह रहा है इट हैज बीन माय ग्रेट मिस फॉर्च्यून टू फॉलो आई स्पीच मोर नोटेबल फॉर इट्स वॉल्यूम देन फॉर एनी सेंस कह रहा है आपसे अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस अच्छा अंडरलाइन पार्ट कौन सा है इसमें तो देखो मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ जिस पार्ट में एरर है ऐसे तो पूरे सेंटेंस में एरर आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी टू फॉलो a स्पीच ये पार्ट अंडरलाइन है और इसमें कहीं कोई एरर है तो बताना है कल बुखार था आपको कोई बात नहीं चलिए अभी ठीक है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपने ठीक है आजकल मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है तो बनते बिगड़ते मौसम में हम लोगों की हेल्थ थोड़ी इससे इम्पैक्ट uh, तो पड़ता ही है खैर चलिए कोई बात नहीं ठीक है ध्यान रखिए सभी अपना तो मैंने आपको कहा कि ये गिवन सेंटेंस में आपसे पूछ रहा है जो अंडरलाइन वर्ड है इस दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कहीं पर कोई एरर है क्या अगर है तो बताइए बच्चे शेयर कर दो एक बार क्लास को एरर है या नहीं है ये बता दें <coughs> जल्दी से एरर लगाएं इसमें क्या एरर है या नहीं देखो आपके पास चार ऑप्शन है फॉलोइंग आई स्पीच मोस्ट नोटेबल इस पार्ट में एरर है नो no इम्प्रूवमेंट है टू फॉलो आई स्पीच मच नोटेबल या टू हैव बींग फॉलोइंग आई स्पीच मोर नोटेबल बताइए एरर कहाँ है तो ध्यान रखना वो कह रहा है इट हैज बीन माई ग्रेट मिस फॉर्च्यून यह मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है टू फॉलो मतलब करना एक स्पीच को मोर नोटेबल ज्यादा उल्लेखनीय फॉर किसके लिए इसके वॉल्यूम मतलब इसकी मात्रा के लिए कि एक लंबी चौड़ी स्पीच को मैंने फॉलो किया ठीक है मोर देन एनी सेंस बिना किसी उसमें मतलब उसमें कोई सेंस वेंस नहीं था उसमें क्या बात कही जा रही है उसकी बात की मुझे कोई वैल्यू नहीं थी मैंने एक स्पीच को एक भाषण को ज़्यादा ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैंने एक भाषण को सिर्फ इसलिए फॉलो किया कि वो क्या था उसका वॉल्यूम ज़्यादा था वॉल्यूम मतलब वो एक लंबे लंबा चौड़ा भाषण था ठीक है देन देन मतलब कम्पे कंपेयर कर रहा है इस किस, किसके बजाय फॉर एनी सेंस बिना किसी अर्थ के मतलब उसमें कोई मीनिंग नहीं था कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं था कुछ अच्छा अर्थ नहीं था उस स्पीच का सिर्फ मैंने एक भाषण को इसलिए फॉलो किया क्योंकि वो एक लंबा चौड़ा भाषण था और ये चीज़ मेरे लिए बहुत मेरे, मेरा मेरा दुर्भाग्य रहा है वो ये कहना चाह रहा है ठीक है ऑप्शन बी होगा गोपाल धनौरा से कह रहे हैं जय माता दी जय माता दी गोपाल स्वागत है आपका क्लास में लेकिन बेटा आपने आंसर कर दिया है गलत अब देखो क्यों गलत है समझना आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो राइट नाउ ठीक तो जब आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट में काम हो रहा है जब प्रेजेंट में काम हो रहा है तो जो बर्व होनी चाहिए वो भी किस में होनी चाहिए थी बताओ टू फॉलो होना चाहिए था या फॉलोइंग जैसे तुम लोगों के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं और फॉलोइंग लिखा होता है जिन्हें तुम प्रेजेंट में फॉलो कर रहे होते हो क्लियर फॉलोइंग और फॉलोअर्स इंस्टाग्राम सभी चलाते हो ठीक तो उसमें दो चीजें होती है ना एक तो आपकी पोस्ट फॉलोअर्स और फॉलोइंग जिन्हें तुम फॉलो कर रहे हो उन्हें फॉलोइंग में आप मेंशन करते हो फॉलोइंग में से होते हैं वो ठीक है और जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं मतलब जो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं उन्हें फॉलोअर्स कहते हैं क्लियर जो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं ठीक है लेकिन जिन्हें तुम फॉलो कर रहे हो जिनका अनुसरण तुम कर रहे हो प्रेजेंट में भी ठीक है उन्हीं को तो फॉलोइंग में आप शो करते हो मतलब वही तो दिखते हैं आपको फॉलोइंग में कि हमारे फॉलोइंग इतने हैं मतलब हमें इतने लोग फॉलो कर रहे हैं और हम इतने को फॉलो कर रहे हैं समझ गए बात आई समझ में तो ये क्या होना चाहिए भाई जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था फॉलोइंग आई स्पीच मोस्ट नोटेबल मतलब उसमें कुछ भी ऐसा उल्लेखनीय नहीं था बजाय सिवाय उसके भारी भरकम एक लंबी चौड़ी स्पीच के मैंने क्यों उसे फॉलो किया ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा है जैसे होता है ना कई बार हमें ऐसे समझो जैसे कई बार किसी कोई बड़ा व्यक्ति जो हमारी नज़र में जिसकी बहुत वैल्यू हम समझते हैं बड़ा पढ़ा लिखा है बड़ा समझदार होगा ठीक है हमारे लिए वो आइडियल था ओके बट जब हम उससे मिले उसने हमें एक लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया हमने कहा नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है जाहिर सी बात है इसकी कही कई, कई बात अच्छी होगी ठीक आपने उसके कहे गए भाषण को या उसकी दी गई जो उसका सजेशन था या जो भी एडवाइस थी आपने उसको फॉलो किया बाद में जाके उसको आ, उसके आपको कुछ आ, मतलब कुछ नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले तो आपने कहा अरे मैंने फालतू में उसको फॉलो कर लिया जरूरी नहीं है कि हर एक सीनेरियो में हर व्यक्ति फिट बैठ जाए ठीक तो वो ऐसा ही कुछ कह रहा था सेंटेंस में क्लियर है आगे बढ़े देखो तो फॉलोइंग होगा फॉलोइंग स्पीच टू फॉलो नहीं टू फॉलो तब होता जब किसी चीज को करना होता करना नहीं है आपको कर रहे हो आप आदित्य शर्मा वेरी गुड आफ्टरनून वेलकम टू सेशन ठीक है hmm. होगा समझ गए ना नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्डन पूछ रहा है बच्चे फिर से समझो और आंसर लगाओ जल्दी से वन वर्ड के लिए पूछ रहा है <coughs> अच्छा इनका कल, कलर ही चेंज कर दिया गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई बात नहीं वन हु इज हॉस्टाइल और वायलेंट हॉस्टाइल और वायलेंट का क्या मतलब होता है एक तरीके से विद्रोही कह सकते हो गुस्सेल कह सकते हो हिंसक कह सकते हो ठीक है आपसे कह रहा है वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हिंसक है विद्रोही है गुस्सेल है उसके लिए आप वन वर्ड में कौन सा शब्द यूज करोगे जल्दी से आंसर बताओ जल्दी भाई इंटरेक्टिव रहो बहुत ज़्यादा ठीक है अच्छा सही गलत जो कुछ भी आता है आंसर लगाओ जरूर और क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने स्टेटस पे लगा दो ताकि बच्चों को पता चल जाए कि आर सेशन इज गोइंग ऑन ठीक हम आ गए हैं क्लास शुरू हो चुकी है जमशेद खान आ गए हैं गुड आफ्टरनून कर रहे हैं नमस्ते गुड आफ्टरनून वेलकम टू द क्लास है एग्रेसिव बोल रहे हैं हंड्रेड परसेंट वाह दिस टाइम यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट मैं ठीक हूँ जमशेद खान आप कल क्लास में नहीं थे ठीक है आदित्य शर्मा थ्री का बी बता रहे हैं एग्रेसिव बहुत अच्छे बच्चों बहुत ही अच्छे क्यों आपने देखो आंसर लगाया ना आपको मीनिंग पता था तो आपने आंसर लगाया इसीलिए मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए चल रही हूँ क्यों केवल मेरा रीजन ये नहीं है ये प्रैक्टिस सेट करवाने का कि आपको सीधे सीधे आंसर पता हो जी नहीं ये प्रैक्टिस सेट आपको एज इट इज़ नहीं मिलेगा बट यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं यहीं पे यूज़ हुई वो वर्ड मीनिंग यूज हो सकती हैं आगे आपका जो पेपर होगा उसमें ठीक है हो सकता है कोई एज इट इज ही वर्ड आपको कोई सेंटेंस देखने को मिल जाए कौन आया है भाई दमराव दमराव से कौन है क्या है कितनी क्लास है देखिए आपको कैसे समझ में आएगा आप बस भी करो एक जैसी चीजें आप लिख रहे हो दमराव से आप बिहार से हैं आपको अंग्रेजी अगर नहीं आती है लैंग्वेज तो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर कोई जादू की घुट्टी नहीं पिला रही हूं मैं है ना समय लगता है हर एक चीजों में अगर आप डेली क्लास को करोगे तो आपको समझ में आएगा क्लियर चलिए थैंक यू जमशेद अब अगर ये बात है तो क्लास को लास्ट तक वॉच करना है ठीक है ऐसा नहीं है कि निकल लो फिर ठीक तो आंसर बताना था आपको आंसर आपने सभी ने सही लगाया है एग्रेसिव ठीक है एग्रेसिव मतलब बहुत ज्यादा उग्र होना बहुत ज्यादा उतावला होना बहुत ज्यादा किसी के ऊपर आक्रामक होना वन वर्ड में अगर बोलूं तो ठीक तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा जो किसी की भी हानि कर सकता है ठीक है एग्रेसिव है मतलब कई बार हमने देखा है ऐसे लोग होते हैं घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं यहां तक कि इंसानों को भी तोड़ फोड़ देते हैं समझ गए ना ठीक तो उसे हम एग्रेसिव बोलेंगे आइडल का क्या मतलब होता है आइडल आइडल मतलब आइडियल नहीं है समझना तीन मीनिंग होते हैं आइडियल आइडल और आइडोल नहीं कोई बात नहीं बाबा यहाँ पे सभी का स्वागत है पिंटू कुमार कह रहे हैं वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे स्वागत है आपका अभी क्लास में बी बता रहे हैं आप बहुत सही बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया आपने सभी बच्चे देखो सीखने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है जिसको नहीं आता है वो यहाँ आएगा तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योरिटी देती हूँ सीख कर जाएगा ठीक है लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत थोड़ा सा साहस थोड़ा सा पेशेंस ये सब चाहिए होगा ठीक है ना ऐसा तो दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी चीज नहीं है कि आपको गुट्टी डाल के मैं दे दूं और आप वो आती थी ना छोटे पे हम पीते थे मुरली गुटी पांच सौ पचपन है तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसे कर लें ठीक है <coughs> 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 चलिए मुझे लगता है कि दमराहो से जो ये कोई है ठीक है उसके थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है ठीक आप लोग अपनी क्लास पे फोकस करें तो एग्रेसिव होगा आइडल का मतलब होता है बच्चे आलसी ठीक है आइडल ओके एक होता है आइडोल आई डी ओ एल ये होता है मूर्ति की बात करता है और एक होता है आइडियल आई डी ई ए एल आदर्श ठीक है आदर्श ओके ये तीनों ही मीनिंग को याद रखना अलग अलग वर्ड हैं अलग अलग मीनिंग है लिजेंड्री का मतलब सभी जानते हो कोई बात नहीं बच्चों ठीक है हाँ जी चलिए लेजेंड्री और एग्रीएबल सहमत होना लेजेंड्री होना सभी सिंपल वर्ड मीनिंग थे सबका मीनिंग आपको बता दिया नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्लियर है क्वेश्चन नंबर फोर देखो बच्चे और आंसर लगाओ अभी जो दमराव से थे जो आपको परेशान कर रहे थे उनको हटा दिया गया है अब आप लोग वापस क्लास पर फोकस करें आइडल आइडल मतलब बच्चा मूर्ति जैसे हम मूर्ति लेकर आते हैं ना भगवान की ईश्वर की ठीक है जैसे शिव जी की मूर्ति होगी पार्वती की लक्ष्मी गणेश की तो आइडल मतलब मूर्ति होता है ठीक है हाँ आदर्श बिल्कुल ठीक था और कुछ पूछ रहे थे आप कोई बात नहीं बाबा अभी वो चला गया है अब वापस आ जाओ क्लास पर हैं हाँ प्रसाद मिल गया दमराव को ठीक है <laughs> मिल गया प्रसाद चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनेम कोई बात नहीं दुनिया है इतना बड़ा नेटवर्क है पूरा भारत वर्ष सवा सौ करोड़ देशवासी अब तो एक सौ पैंतीस हो गए हैं उससे भी ज़्यादा चल रहे हैं अभी काउंटिंग में ठीक है न्यू आपका जो आएगा इसमें पता चल जाएगा सेंसस में ठीक हाँ गोता हम भी बता रहे हैं इरेशनल अच्छा आपसे सिनोनिम पूछा है प्लासिबल का प्लासिबल का क्या मतलब होता है, क्या होता है? वो आइडियल होता है बच्चे इंडियन आइडियल वो आइडल नहीं है स्पेलिंग में मिस्टेक मत करो ठीक है स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे हो आप स्पेलिंग करेक्ट लिखो <coughs> इंडियन आइडियल है वो भारत के आदर्श आप देखो क्या लिख रहे हो ठीक है इंडियन आइडियल आइडियल की ये स्पेलिंग नहीं है उसमें हाँ बिल्कुल पिंटू फटाफट क्वेश्चन करो बी होगा क्या इरेशनल जल्दी से आंसर लगाएं सभी भी और भी बच्चे आंसर करें ऐसे नहीं काम चलेगा आंसर करो अच्छा चलो मैं बता देती हूँ प्लॉजिबल का क्या मतलब होता है लिख दूँ प्लॉजिबल अच्छा प्लॉजिबल मतलब होता है प्रशंसनीय अब बता दो आंसर क्या होगा करेक्ट प्रशंसनीय अच्छा नेक्स्ट स्टडी क्लास बोल रहे हैं मैम आई एम न्यू स्टूडेंट वेलकम टू द सेशन नेक्स्ट स्टडी ठीक है ओ oh, हाँ अब आप न्यू आईडी से आ गए क्या ये दमराव वाला ही सेम आप कैसे लिख रहे हो चलिए चलिए आंसर बताइए सभी बच्चे आंसर करें देखो एयर का क्या मतलब होता है लगा रहे हो क्रेडिबल और कोई आंसर करो सभी बता दूं क्या डायरेक्ट क्रेडिबल ही होगा क्यों क्योंकि आपसे सिने पूछा था क्रेडिबल का मतलब होता है हास्यास्पद या जो प्रशंसनीय है ठीक है जो प्रशंसा की बात करे तो क्रेडिबल करेक्ट आंसर होगा अब बताइए फर्स्ट का मीनिंग और बता दें uh, का क्या मतलब होता है जल्दी आंसर दे बच्चे आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे मीनिंग 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 चाहिए ऐसे नहीं देखो बता देती मैं मतलब तर्कहीन तर्कहीन और अनटेनेबल का भी मतलब होता है अस्थिर मतलब जो चीजें सस्टेनेबल नहीं है स्थिर नहीं है ये दोनों सिनेम हो गए अपने आप में ये ऑप्शन ए और सी आपस में है और इरेशनल का मतलब होता है तर्कहीन होना मतलब किसी चीज में लॉजिक लॉजिक लेस है जो चीज जिसमें लॉजिक नहीं है समझ गए बढ़ जाए आगे क्रेडिबल हाँ, मतलब प्रशंसनीय ओके बोलते हो ना इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल मतलब अतुलनीय होता है ठीक ये क्रेडिबल था नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फाइव सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है कौन सा शब्द है जिसमें करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है समझो जल्दी से करते हैं आसान है सबसे पहला ही ऑप्शन जो लिखा हुआ है एक्सप्लॉयटेशन शोषण होता है शोषण किसी का शोषण करना ठीक है एक्सप्लॉयटेशन समझ गए तो यही मीनिंग करेक्ट लिखा है बाकी और सारे ही गलत हैं क्यों गलत हैं देखो ये कन्वर्सेशन लिखा है कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप करना क्या मीनिंग होता है वार्तालाप करना करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी सी ओ एन वी ई आर एस ए टी आई ओ एन वहां पर लिखा है ए एन ठीक दूसरा है रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब आय आय मतलब राजस्व रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट निकलती है ना स्पेलिंग गलत लिखी है ये होगा आर ई एन ई वी यू रेवेन्यू, एन एन यू रेवेन्यू, ठीक है यहां ये जो ई e एक लिखा है ये एक्स्ट्रा है नेक्स्ट लिखा है पैसन पैसन मतलब जुनून पी ए डबल एस आई एन, ओके ये होगा समझ गए सभी का मीनिंग नोट करें बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक्सप्लॉयटेशन की करेक्ट स्पेलिंग लिखी थी बाकी सारे गलत थे क्वेश्चन नंबर द मोस्ट मोस्ट बच्चे जल्दी आंसर लगाएं सभी बताना है आपको एंटेनिम पूछ रहा है इस बार हिलेरियस का हिलेरियस मतलब व्हाट हिलेरियस का मतलब होता है आ, मतलब हंसी मजाक हास्यास्पद बोल सकते हो हास्यास्पद या मजाकिया ठीक है या हंसी मजाक ये सब मीनिंग है इसके कुल मिलाकर हंसने से मीनिंग है ठीक है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप सभी और किसी को कुछ समस्या चलिए पिंटू अभी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी ना ठीक तो चलिए अब बताइए अब आपसे आप पूछ, सॉरी एंटेनेम पूछा है तो एंटेनेम बता दें इसके लिए जल्दी से बताइए जल्दी से ए ए ए एंटेनिम पूछ रहा है बच्चों क्या कर रहे हो तुम सिनेम बता रहे हो अगर ए आंसर लगा रहे हो तो सिने होगा ना समझो रेडिकुलस का भी क्या मतलब होता है सेम अत्यधिक हास्यास्प्रद अत्यधिक मजाक करने वाला अत्यधिक हंसी मजाक ठीक है जो हमेशा जैसे हम कहते हैं ना हम कितने हिलेरियस पर्सन है मतलब कितना ज्यादा हंसी मजाक करने वाला बहुत ज्यादा उसमें क्या है ह्यूमर है भर भर के कूट कूट के ह्यूमर भरा हुआ है ठीक तो ए ऑप्शन लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपसे सिनेम नहीं पूछ रहा है एंटेनिम पूछ रहा है इसका मतलब क्या होगा आंसर लगाओ ह्यूमर लेस जिसमें ह्यूमर की कमी है ठीक कहते हैं ना उसका ह्यूमर सेंस बहुत अच्छा है ह्यूमर सेंस अच्छा है मतलब हंसी मजाक बहुत अच्छा कर लेता है लेकिन ये तो लेस लेस लिखा है less मतलब ना की बात करता है less नहीं है है लेस ठीक है तो ह्यूमर लेस का मतलब है मजाक रहित मतलब जिसको मजाक करना नहीं आता मतलब जो उदास है जो दुखद है जो दुखी है और दूसरों को भी करता है उसे कई लोग ऐसे भी तो होते हैं जिनको हंसी की बात पर भी हंसी नहीं आती कहते अरे तुम खाम खाही दांत फाड़ते रहते हो समझ गए तो ऐसे भी तो होते हैं गुस्सा करने वाला कौन हिलेरियस या रेडिकुलस नहीं बेटा दोनों ही आपस में सिनेनिम है हिलेरियस का सिनेनिम है रेडिकुलस अत्यधिक हास्यास्पद, ठीक है बाबा ओके अभी देखो और कुछ अच्छा ये रह गया प्रिटेंशियस प्रिटेंशियस का क्या मतलब होता है लिख लो कपटी कहते हैं कपटी दुष्ट या ढीठ एक शब्द तुमने सुना होगा ढीठ कपटी या ढीठ या धूर्त ये सारे इसके मीनिंग है ठीक है यूजुअल मतलब सामान होता है सभी जानते हो आ, आम आमतौर पर सामान यूजल ठीक है कहते हैं ना कैसा चल रहा है सब एज यूजुअल जैसा आमतौर पर चलता है सबका ऐसे ही ठीक बढ़ जाए आगे क्लियर हुआ मीनिंग नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन है एज ऑप्शन वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर ठीक है वही बात बता रहा है किसी में एरर है तो बता दो और नहीं है तो डायरेक्ट नो एरर मार्क कर दो आंसर लगा दो ठीक बताइए चक्री दादी नहीं ये हरियाणा वाला चक्री नहीं है मतलब दादरी नहीं है चक्री दादरी नहीं ये आपके जीवी नगर गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है दादरी ठीक है आपके गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के बीच में बोल सकते हो ठीक यूपी में ही है ये हरियाणा वाला नहीं है ओके आशु हाँ जमशेद आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो मैं आपको अभी नंबर मेंशन करवा देती हूँ पिनअप करा देते हैं नंबर ठीक है आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए टेक्निकल टीम अभी आपको नंबर पिनअप कर देगी दिशा का ठीक नो एरर नो एरर बता रहे हो बाबा अच्छा अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वॉल्टियर्स ईच ईयर और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट देखो वो कह रहा है एक काफी संख्या में सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण एक बहुत भारी भरकम मतलब अच्छी खासी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो वॉलेंटियर लेते हैं मतलब स्वयं सेवी मतलब खुद से आना किसी काम को खुद से करना ठीक है चलिए ठीक है ठीक तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलेंटियर ईच ईयर हर साल ना बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं जो स्वयं सेविक संघ के रूप में और किसके लिए काम करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं ठीक है इस पर वो रिपोर्ट बनाते हैं ये सब करते हैं तो ये कह रहा था तो सेवन में आपने नो no एरर बताया आदित्य शर्मा भी नो no एरर बोल रहे हैं चरखी दादरी बोला था मैंने बच्चे ठीक है आसूज चरखी दादरी हाँ मालूम है मुझे चरखी दादरी दादरी है हरियाणा में मेरा मैंने क्या चक्री बोल दिया था क्या फिर भी हो सकता है टंग टंगिप हो गई हो ठीक है कोई बात नहीं चरखी दादरी है ओके अभी ठीक है चलो समझो एरर बताओ ठीक तो नंबर आपको पिन कर दिया गया है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और वर्किंग आवर्स में कॉल करोगे सुबह अर्ली मॉर्निंग सेवन से और शाम को इवनिंग में सेवन पी तक ठीक असिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बच्चे आपको एक कंसेप्ट याद होगा दो टर्म होती हैं क्या बहुत बार बताया है हालांकि मैंने आ नंबर ऑफ़ उसने सिग्निफिकेंट आपको सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के ताकि आपका दिमाग उस कंसेप्ट से थोड़ा भटक जाए सिग्निफिकेंट एक अच्छी खासी संख्या को बताने के लिए एक्जेक्टिव यूज़ कर दिया उसने वहाँ पे ठीक ये रूल क्या बनता है अ नेम आ नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में ठीक है ज्यादा लोगों की बात करता है बड़ी संख्या में वो नंबर जिसमें आपको लोगों का एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है बहुत बड़ी भार, भारी संख्या मतलब बहुत ज़्यादा लोग

वॉलंटियर अपने आप में नाउन है जब आप स्वयं सेवक की बात करते हो स्वयं सेवक संघ सेवक संघ या स्वयंसेवी संघ ठीक है तो जब हम इस वे में इसकी बात करते हैं स्वयं सेवक को जब ये दर्शाता है जब आप ये बोल रहे हो वॉलंटियर आप वर्ड का यूज कर रहे हो किसके लिए स्वयं सेवकों के लिए ठीक है जो अपनी सेवा खुद ही करते हैं उन्हें किसी की दूसरे की आवश्यकता नहीं है ठीक ऐसे समझ लो सिंपल तब ये क्या है तब ये नाउन है ठीक है लेकिन इसके तीन पार्ट ऑफ स्पीच हैं ये क्या क्या और है ये नाउन भी है ये एडजेक्टिव भी है और ये वर्ब भी है नाउन भी है लेकिन अब एक बात बताओ यहाँ पे तुम्हें क्या मिल गया ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है अगर पूछ लिया जाए सेंटेंस में ये गिवन अंडरलाइन जो मैंने की है आपको ये क्या है तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने आप में क्या है सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में चाहिए क्या होता है वर्ब चाहिए होती है मैडम जी सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगी जरूर उसके बाद ठीक तो जब वर्ब चाहिए होती है तो बच्चों मुझे अब एक बात बताओ ये जो वॉलेंटियर्स यहाँ लिखा है ये यहाँ पर नाउन की नाउन की तरह यूज हुआ होगा या वर्ब की तरह यूज हुआ होगा कर देखो जरा तो ये क्या होगा ये वर्ब होगी ना अब एक बात बताओ जब ये वर्ब होगी तो हमें ये मालूम है अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब ये स्टूडेंट्स अपने आप में पूरा प्लूरल हो गया जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसी रहेगी प्लूरल रहेगी तो इसलिए हम सिंपल कंसेप्ट याद रखते हैं कि आ नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्व भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल और वर्व भी प्लूरल। अब मुझे एक बात बताओ कि किसी भी वर्व को हम सिंगलर बनाते हैं वर्व की फिफ्थ फॉर्म जिसे आप कहते हो क्लियर तो वर्व की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए किसी भी वर्व में एस और ई एस लगाते हैं वॉब में एस ऑर ई एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनता है और नाउन में एस और ई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है तो यहाँ पर नाउन जब ऑलरेडी हो गया तो दो नाउन तो शुरुआत में स्टार्टिंग में मतलब कहने का जहाँ पर बॉब की जरूरत थी वहाँ वॉब आएगी ना कि नाउन आएगा समझ गए हम अगर इसी के बारे में बात कर रहे होते तो ये यह यहाँ पे वॉलेंटियर सही होता लेकिन ये तो यहाँ पे वॉब बनकर आया है जब ये वॉब बनकर आया है तो इट शुड बी हेयर प्लूरल ना कि सिंगुलर लिखा क्या है हमने कर दिया सिंगुलर समझ गए तो एरर ये था सिंगलर नहीं होगा एस हटाइए यहाँ से इट शुड बी हेयर वॉलेंटियर समझ गए ना ठीक है क्लियर है बात चलिए तो पहला आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहां पर कि एरर किसमें था ए में है ना लिखा है वॉलंटियर्स ईच ईयर फॉर ठीक है तो वॉलेंटियर्स नहीं होगा वॉलंटियर होगा बढ़ जाए आगे चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर एट पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन वही बात कह रहा है फिर से किसी में एरर है तो बता दो और नहीं है तो आगे बढ़ जाओ नो एरर लगा के टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट चेंज सब्सटेंसेस इनटू टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे फैक्टर हैं दो ऐसे तत्व हैं महत्वपूर्ण ठीक है जो कि बदलते हैं क्या सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में रिसोर्सेज में बदल देते हैं ये दो ऐसे चीजें हैं अब बताइए एरर कहाँ पर है वही गलत बात है बहुत ज़्यादा आपके आंसर आने बंद हो गए बहुत कॉल किए हो कोई उठा नहीं रहा है बच्चे जिसके पास ये फोन होता है इस वक्त वो इस वक्त एक मीटिंग में बिजी हैं ठीक है मीटिंग चल रही है इसलिए आपका फ़ोन पिकअप नहीं हो रहा है थोड़ी देर बाद आप एक घंटे बाद कॉल कर लेंगे तब तक मीटिंग समअप हो जाएगी ठीक है तो उसके बाद आप कॉल कर लें जमशेद ठीक है <coughs> चलिए आप देखिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना जब आपको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया हो और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव वन के अलावा बाकी सारे ही क्या होते हैं प्लुरल होते हैं वन अपने आप में क्या है यही सिंगुलर है वन मतलब एक को दर्शाता है लेकिन यहाँ तो टू लिखा हुआ है ना ठीक तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया है आपको संख्या की बात कर रहा है कितनी दो ठीक टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर सही है बिल्कुल ठीक लिखा है दो हैं क्या महत्वपूर्ण फैक्टर तो फैक्टर नहीं बच्चा ये होगा यहाँ पे फैक्टर्स क्यों होगा फैक्टर क्योंकि दो दो कैसे कैसे को दर्शाएगा भाई दो मतलब ज्यादा है ना प्लूरल है ना तो जब प्लूरल है तो जो इसके बाद जो भी नाउन लगाओगे वो भी कैसी आएगी प्लूरल आएगी टू फैक्टर्स समझ गए ना ठीक तो फैक्टर्स होगा ना कि फैक्टर होगा ये तो आसान था बहुत ज्यादा ठीक है ओके चलिए समझो आगे बात को फैक्टर्स ओके तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा जो कि आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर था तो फैक्टर दैट तो फैक्टर दैट नहीं होगा फैक्टर्स दैट होगा लेकिन आपको तो पार्ट बताना है कौन से सेगमेंट में एरर था तो फैक्टर्स दैट क्लियर बढ़ जाए आगे चलो आसान था ध्यान रखना यहाँ सिर्फ टू ही नहीं थ्री भी होगा ना जैसे एक चीज और समझ लो चलो उसके बाद आते हैं आगे जैसे लिखा होता है प्राइस ऑफ ठीक है परसेंट ऑफ कितना भी लिखा हो जैसे परसेंट ऑफ इनसे पहले अगर कोई संख्या दे दी थ्राइस का मतलब तो थ्री होता ही है ठीक है अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना ट्वेंटी परसेंट ऑफ ठीक तो यहाँ पे ये आप पीपल लिखोगे ट्वेंटी परसेंट ऑफ पीपल या ट्वेंटी परसेंट पीपल ठीक ऑफ हटा भी दो तो भी ट्वेंटी परसेंट पीपल ना की पर्सन ट्वेंटी परसेंट पर्सन नहीं करोगे रीजन क्या है क्योंकि ये जो ट्वेंटी है ना ये किस कैसे सबको दर्शा रहा है प्लूरल को ठीक एक नहीं है ना एक को छोड़ के बाकी दो के बाद जितनी भी काउंटिंग है सब प्लूरल है प्लूरल है तो उसके बाद जो भी नाउन आएगी वो भी प्लूरल रहेगी ध्यान रखना ठीक आगे आ जाओ अब आपका मेजर पार्ट आ गया है जो कि कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग पढ़ने की जरूरत है क्या चलो पढ़ लेते हैं इन द फॉलोइंग रीड द पैसेज केयरफुलेक्ट दोप्रिएट ऑप्शन क्या करना है को पढ़ना है आराम से कुछ वर्ड्स को डिलीट किया गया है आपको फिलअप दिए गए हैं ठीक है और उन फिलअप में आपको आपको फिल करना है चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा वर्ड सही आएगा वहां पर यह बताना है अब आ जाते हैं वापस देखो पैराग्राफ को रीड करो आराम से समझो क्या कह रहा है वेल well, अच्छा कहाँ से शुरू था एक मिनट रुक जाओ जरा थोड़ी सी दिक्कत है मैंने कलर चेंज कर दिया है यहाँ से है स्टार्ट देखो पहली लाइन रेड में लिखी हुई है ये समझो यहाँ से कैन यू इसके बाद लिखा है डैश आर डीप वुमेन राइटिंग स्टोरीज अबाउट अ बार वॉर ठीक है वॉर मतलब युद्ध की बात कैन यू अब कैन यू के बाद क्या लगाओगे क्या तुम सोच सकते हो समझ सकते हो ठीक ऑप्शन नहीं दिख रहे ना अभी अभी दिखेंगे क्या तुम सोच सकते हो या समझ सकते हो एक डीफ वुमन ठीक है एक बहरी डीफ का मतलब क्या होता है बहरी जिसको सुनाई नहीं देता ठीक है वह व्यक्ति जिसको सुनाई नहीं देता हम डीफ बोलते हैं ठीक एक बहरी स्त्री राइटिंग स्टोरीज क्या लिख रही है कहानियां लिख रही है किसके बारे में लिख रही है युद्ध के बारे में लिख रही है ठीक है क्या आप अब बताओ यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द भरोगे इनमें से मेलिगन लिखोगे क्रिएट लिखोगे कंजर्न लिखोगे या इमेजन लिखोगे जल्दी से आंसर करें बच्चे वॉइस में दिक्कत आ रही है वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए भाई एक बार देख बताओ क्या वॉइस में प्रॉब्लम है इधर तो ऑल सेट दिख रहा है सब कुछ मामला सेट है कोई दिक्कत नहीं है आदित्य आदित्य दोबारा से बताओ वॉइस में प्रॉब्लम है क्या वॉइस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है चलिए बताइए जल्दी से एक बार बच्चे कमेंट करके बता दें मैडम जी वॉइस आ रही है करेक्ट एकदम एम आई ऑडिबल और नॉट इतना बता दो फिर बढ़े आगे अदरवाइज क्या फ़ायदा सुनाई नहीं दे रहा हो इमेजिन आएगा जिया बोल रही हैं मैडम इमेजिन आएगा हाँ बिल्कुल जैसे कि मैंने जब हिंदी बोली जब आपको मीनिंग बताया तभी क्लियर हो गया क्या आप सोच सकते हो भाई इस मीनिंग में आप क्या भर सकते हो यही तो भरोगे कि क्या आप सोच सकते हो कि एक बहरी स्त्री जिसको सुनाई नहीं देता वो एक युद्ध के ऊपर कहानियां लिख रही है मतलब स्टोरीज लिख रही है क्या आप सोच सकते हो युद्ध एक ऐसी चीज हुई ना वैसे इमेजनरी तो कुछ भी कोई भी लिख सकता है युद्ध मतलब जो वास्तविक में हुआ है ठीक है जो युद्ध वास्तव में हुआ है उसके ऊपर कहानी लिख रही है इसका मतलब है उस युद्ध में घटी घटनाओं के बारे में ही तो लिख रही होगी और वो कोई भी व्यक्ति बिना सुने कैसे लिखेगा मतलब उसे सुनना पढ़ना होना जरूरी है ना ठीक है अब ठीक है चलिए ठीक है आदित्य ओके करेक्ट आंसर होगा इमेजिन कैन यू इमेजिन आसान था बड़े आगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो नेक्स्ट आगे देखो तो पहला तो यहीं से क्लियर हो गया उसके बाद अब आगे का पैराग्राफ है वेल well, लॉरा क्या लिखा हुआ है वेल वेल लॉरा लॉरा मतलब खैर ये उसका नाम है लॉरा रेड इन शेयरिंग डिड दिस ये किसने किया एक बहरी स्त्री जिसका नाम क्या है लॉरा रेड इन शेयरिंग डिड दिस ये किया मतलब क्या किया कहानियां लिखी वो स्त्री बहरी है क्या तुम सोच सकते हो कि एक बहरी स्त्री युद्ध के ऊपर कहानियां लिख सकती है खैर ये लिखी किसने लोरा जो उसका नाम है ठीक है उसने ये किया ठीक मोर ओवर इससे भी अधिक और क्या सी वेंट टू अ फॉरेन कंट्री टू फॉरेन कंट्रीज टू राइट स्टोरी इसके अलावा वो कहाँ गई विदेशों में भी गई कहानियाँ लिखने के लिए सिर्फ अपने ही देश में नहीं और दूसरे देशों में भी गई बेसिकली क्या होता है इसको हम हेयरिंग डिसेबिलिटी बोलते हैं जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है जिसको सुनाई नहीं देता और डीफ का मतलब है अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू हियर एनी वर्ड क्लियर जिसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता मतलब उसी को तो हम डीफ कहते हैं अदरवाइज डिसेबिलिटी तब हुई जब थोड़ा बहुत व्यक्ति सुन लेता है उसमें वो हियरिंग एड्स का यूज कर सकता है क्लियर लेकिन यहाँ पे तो पता चल रहा है सेंटेंस को पढ़ के नाइन का डी हो गया हाँ चलिए ठीक करेक्ट आंसर था आपका ठीक है कि बिल्कुल भी उसको सुनाई नहीं देता था उसके बावजूद ना सिर्फ अपने देशों में कहानियां लिखी बल्कि विदेशों में भी गई ओके देन उसके बाद क्या हुआ सी वाज वेरी इल व्हेन सी वाज इलेवन इयर्स ओल्ड वह बहुत बीमार हो गई थी जब वह ग्यारह वर्ष की थी कौन वही लौरा जिसकी बात हो रही है Because of this, इसके कारण क्या हुआ? भाई वो बीमार हो गई थी जब बहुत ज़्यादा तो मतलब मतलब ही आसान है आंसर आ रहा है बिल्कुल Hearing बोल रही हैं ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्टर सफरिंग नहीं हो रहा होगा इंजोरिंग नहीं होगा होगा इंस्पायरिंग नहीं होगा ठीक उसने क्या खो दी अपनी सुनने की जो क्षमता थी हियरिंग का मतलब होता है श्रवण शक्ति ठीक श्रवण शक्ति या सुनने की शक्ति ठीक वो पूरी तरीके से खो दी आसान है यहाँ पे हो गया सी वेंट टू द मिसोरी स्कूल फॉर द डीप वो कौन से स्कूल में गई मिसोरी स्कूल में गई जहां पर जो बहरे बच्चे होते थे मतलब जो बहरे स्टूडेंट्स uh, हैं उनको पढ़ाया जाता था ठीक है बात क्लियर है न्यूज पेपर लोरा मात्र उन्नीस साल की थी जब वह एक न्यूज पेपर के लिए काम करने के लिए गई मतलब एक न्यूज पेपर के लिए उसने लिखना शुरू किया होगा भाई न्यूज पेपर में क्या काम करेगी जब वो लिखती है तो ठीक सी रोट अबाउट पीपल प्लेसिस एंड आर्ट उसने लिखा किसके किसके बारे में लोगों के बारे में स्थानों के बारे में और साहित्य कला के बारे में ठीक है क्लियर यहाँ तक बात समझ में आई आंसर लगाओ भाई ऐसे नहीं मजा आता है बिना आंसर के ओके आगे पढ़ लेते हैं जब तक फिल नहीं आ रहा हमारे पास इन 19 इन uh, 1859 में 1859 में क्या हुआ मोस्ट वीमेन वर जस्ट वाइफ्स एंड चलिए अब आगे हमारे पास अगला फिल और इसके लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब देखते हैं समझो कह रहा है इन 1859 मोस्ट वर जस्ट भाई उसने लिखा ना किस किस के बारे में लोगों के बारे में लिखा स्थानों के बारे में लिखा कला के बारे में लिखा अब उसने जब इतना सब लिखा तो आगे की बात हो रही है अठारह में ज्यादातर वीमन क्या थी या तो वाइफ्स थी मतलब घर में पत्नियां थी पुरुषों की और, और क्या थी अब आपको फिलअप दिया है ऑप्शन में से बताइए या तो स्त्रियां अठारह की बात हो रही है उस समय पर ज्यादातर ग्रहणियां घर में ग्रहणी ही तो होती थी और क्या होती थी आर्टिस्ट होती थी राइटर्स होती थी मदर्स होती थी या टीचर्स होती थी गेट मी योर आंसर्स बच्चे जल्दी आंसर लगाओ इसमें थोड़ा ना आपका सेंस देखा जा रहा है आसान है इससे ज्यादा आसान और पैराग्राफ क्या आ सकता है एनसीन में सोच के देखो इतना आसान आ रहा है कि इससे ज्यादा तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कुछ सिंपल सिंपल सी बात लिखी हुई है बताओ जल्दी भाई ज़्यादातर स्त्रियाँ घर में रहती थीं ग्रहणी थीं और क्या थी मदर्स नहीं थी क्या भाई जब गृहिणी है तो घर में ज्यादातर उस वक्त क्या माना जाता था एक स्त्री का जीवन किस में जाना है आज भी हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा सिनेरियो चेंज नहीं हो गया है ज़्यादातर हमारी जो घर में हमारी अपनी ही मम्मी को देख लो आप ज़्यादातर लोगों की अभी भी जो मम्मी है या जो दादी रही हैं उनका जीवन कैसे कटा है घर में रही हैं बच्चों का लालन पालन किया है सबके लिए भोजन बनाया है पूरे घर की सेवा की है ठीक है ना लेकिन उनके इतनी बड़ी मेहनत इतने बड़े बलिदान और इतने बड़े त्याग को भी हमारे जो सो कॉल्ड पुरुष वर्ग है वो इसको क्या नहीं मानते इसको काम नहीं मानते मतलब इसको वर्क में इंक्लूड नहीं करते इसको मेहनत में इंक्लूड नहीं करते इसको रिस्पेक्ट बहुत कम देते हैं कुछ सबके लिए नहीं बोल सकते कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आ, अच्छे लोग भी हैं ठीक अगर अच्छे नहीं होंगे तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी समझ गए ना तो क्या थी ग्रहणियाँ स्त्रियाँ मतलब पत्नियाँ थीं और दूसरा उनका काम क्या था मदर्स थीं बच्चों की मम्मी थी आज भी होती हैं ठीक है राइटर्स नहीं थी आर्टिस्ट नहीं थी मतलब कहने का बाहर काम नहीं करती थी तो की एक बात समझ गए दे डिडेंट वर्क आउटसाइड द होम वो नहीं काम करती थी घर से बाहर अदरवाइज अन्यथा क्या हो जाएगा अगर वो घर से बाहर काम करेंगी तो क्या उस वक्त मानसिकता थी दे आर हस्बेंड्स वुड बी एंग्री उनके जो पति हैं जो उनके वो हैं मतलब क्या बोलते थे उस वक्त तो और भी हिंदी के बहुत सारे टर्म यूज करते थे ना हम याद नहीं आ रहा अभी पति ही चलो सुन लो पति ही है ठीक है तो जो उनके पति हैं वो क्या हो जाएंगे गुस्सा होंगे वुड बी एंग्री शिवम यदुवंशी वेरी गुड आफ्टरनून वेलकम टू द क्लास बहुत टाइम बाद आए हैं आज आप क्लास में ठीक तो जो उनके पति हैं वो गुस्सा होंगे आगे देखो ड्यू टू दिस फीलिंग इस भावना के कारण लौरा यूज आ लौरा ने क्या किया लौरा ने यूज किया अब क्या यूज किया उसके बाद फिलअप है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ से ऑप्शन बताइए आंसर लगाओ जल्दी इतना सारा काम हो गया स्त्रियां घर के बाहर काम नहीं करती थी क्योंकि उनके पति नाराज हो जाएंगे उनसे इस भावना के कारण लॉरा ने यूज किया क्या डेस नेम वॉट हर स्टोरीज जब लॉरा ने अपनी स्टोरी लिखी अपनी कहानियां लिखना शुरू किया तब उसने एक नाम यूज किया किसका जल्दी से बताएं विमेंस का चिल्ड्रंस का अडल्ट का या फिर मैं का किसका नाम यूज किया अच्छा शिवम ठीक है कोई बात नहीं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर आप एस एस के लिए फिजिकल दे रहे हैं ठीक करो अच्छे से प्रैक्टिस ओके तो मैं क्या बोल रही थी हाँ, लोरा ने यूज किया क्या तो यहां पे आपको बताना है सोच के देखो सो का वो टाइम पीरियड जिस वक्त स्त्रियों की बहुत ज्यादा क्या नहीं थी उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी उनको घर में रहकर ही बच्चों का लालन पालन करना होता था घर के सारे कार्य करने होते थे इसी को एक अच्छी गृहिणी की परिभाषा माना जाता था ठीक है अगर स्त्रियां जो बाहर जाके काम करती थी उस वक्त उनको बहुत गलत नजरिए से देखा जाता था कि और पुरुषों के लिए बोला जाता था कि ये तो अपनी औरत की कमाई खाता है इस वे में उस वक्त ऐसा कुछ माहौल था ठीक है ऐसी मानसिकता थी लोगों की ठीक तो इसी बेस पे ये आपको पूरा पैराग्राफ दिया गया है कि उस वक्त स्त्रियों की क्या दशा थी समाज में अगर कोई स्त्री बाहर काम करती थी तो उसको किस नजरिए से देखा जाता था ठीक तो वही सब कह रही है तो लौरा ने क्या यूज किया क्यों क्योंकि लौरा को पता था कि समाज में स्त्रियों को काम करना एक अच्छी नजर से नहीं देखा जाता स्त्रियां बाहर जाके काम करें यह कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था लोगों के लिए ठीक है तो उसने क्या किया Man मैं मैन में पोस्ट ऑफियस लगाया है आदमी का ठीक है आपको पता है इसका मीनिंग क्या हुआ आदमी का नाम उसने यूज किया ठीक है आदमी का पोस्ट ऑफियस है ठीक लॉरा यूज ने जब लॉरा ने अपनी स्टोरीज कहानियाँ लिखना शुरू किया तब उसने अपना नाम चेंज कर लिया और वो आदमी के नाम से कहानी लिखती थी उस आदमी का क्या नाम था देखो आगे सी वॉल्ड हर सेल हॉवर्ड ग्लिंडन समझ के ध्यान से समझना उसने अपने आप को जो नाम दिया स्वयं को उसने बुलाया क्या बुलाया हॉवर्ड ग्लैंडन ठीक है हॉर्वर्ड ग्लैंडन के नाम से उसने स्वयं को संबोधित किया ओके okay, ये उसने अपना नाम रखा लॉरा से उसने अपना नाम आ, किसी भी स्टोरी में किसी भी कहानी में उसने अपना नाम लॉरा नहीं दिया हावर्ड दिया है ठीक हावर्ड नाम कैसा है मैन का लगता है जाहिर सी बात है क्यों उसने ऐसा किया देखो सी थॉट वह सोचती थी क्या सोचा उसने दैट अनलेस सी यूज अ मेस्कुलाइन नेम मेस्कुलन मतलब वही बात कर रहा है आपकी पोलिंग की ठीक yeah. है जब तक वह मैस्क मतलब पुरुषों जैसा नाम वो जब तक पुरुषों जैसा नाम नहीं ले रखेगी अपना वो ऐसा सोचती थी तब तक क्या नहीं होगा पीपल वुड बी अब वुड बी के बाद आपको फिर फिलअप है और लास्ट आपको ये फिलअप दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और यहाँ से आपका पैराग्राफ कंप्लीट होगा बताइए क्या फिल करेंगे वो सोचती थी कि जब तक उसका पुरुषों जैसा नाम नहीं होगा मतलब ये जो स्टोरी जो लिख रहा है अगर उसने स्त्रियों के नाम से स्टोरी लिखी तो उसकी स्टोरी को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इसलिए उसने ये सोचा कि यहाँ पर पुरुषों पुरुष वर्ग है और पुरुष वर्ग का पूरी तरीके से कब्जा है समाज में हालांकि आज भी है बट अब काफी चीजें बदल चुकी हैं ठीक तो उसने क्या किया पुरुष का नाम एक्सेप्ट किया और जो कहानी लिखती थी उसके पीछे अपना नाम हावर्ड लिखा क्यों क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि लोग क्या करेंगे वुड वी डैस क्या आंसर बताइए क्या लगाओगे चलिए सिंपल समझ लीजिए हॉस्टाइल क्या लगाएंगे आंसर हॉस्टाइल हॉस्टाइल का मतलब लोग क्या हो जाएंगे उग्र हो जाएंगे उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे ठीक है लोग उससे क्या होंगे नाराज होंगे ठीक कुल मिलाकर एक बात ठीक वुड वी हॉस्टाइल सिंस दे डिडन्ट थिंक दैट वीमन शुड राइट फॉर न्यूज पेपर क्यों क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि स्त्रियां न्यूज़पेपर के लिए नहीं लिख सकती मतलब स्त्रियों को न्यूज़पेपर के लिए नहीं लिखना चाहिए अगर स्त्रियां न्यूज़पेपर के लिए लिख रही हैं तो वो क्या ही लिख रही होंगी ऐसी मान सकता उस वक्त थी ठीक है तो ये मीनिंग था शिवम <coughs> शर्मा राधे राधे ठीक है चलिए तो यहां से आपका पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ और आज मुझे इतना समझ आता है कि आप लोगों को बहुत फ्रूटफुल चीजें मिली हैं बहुत कुछ सीखा होगा आपने इस सेशन से ठीक है बच्चे बहुत जल्दी आपके लिए कंसेप्चुअल क्लास आएगी जिसमें हम कंसेप्ट पे बात करेंगे क्लियर देखती हूँ तब आप लोगों का क्या रहता है उसमें इंटरेक्शन कितना करते हो आप फिर ओके कंसेप्ट के साथ कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव भी लगाऊंगी साथ में ही ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहें चलिए मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में अपनी और जो की होगी कल ठीक है आज के लिए इतना ही अगर कोई सजेशन या कोई क्वेरी हो आपकी तो जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लोगे ठीक है और क्लास को लाइक like कर दोगे शेयर तो आप कर ही देते हो बहुत अच्छे बच्चे हो ठीक है तो मिलते हैं फिर कल अपनी नेक्स्ट क्लास में ऑल फॉर टुडे थैंक यू हैव अ गुड डे